अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTH 202 के लेक्चर नंबर 12 का रिमेनिंग पार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और इसमें एक्सरसाइज क्वेश्चन गिवन है, सेट ए गिवन है 1 2 3 4, और डिफाइन नल रिलेशन एम्प्टी सेट दिया हुआ है, और यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए ऑन सेट ए पर दिया हुआ है। और हमने टेस्ट करना है कि रिलेशन जो नल रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इसे चेक करते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव या नल रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1 1 पेयर, 2 2 पेयर, 3 3 पेयर और 4 4 पेयर एम्प्टी सेट से ताल्लुक़ रखने चाहिए थे, जबकि ये एम्प्टी सेट से ताल्लुक़ नहीं रखते, इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब यूनिवर्सल रिलेशन को देखते हैं। यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए को कहते हैं, ये रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें ए ए टाइप के सारे आर्डर पेयर मौजूद होंगे, 1 1 2 2 3 3 और 4 4, ये सारे आर्डर पेयर ए क्रॉस ए में मौजूद होंगे, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है, यूनिवर्सल रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अब इसी रिलेशन को चेक करते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए ए बी आर्डर पेयर एम्प्टी सेट से ताल्लुक़ रखना चाहिए, और फिर बी ए बी एम्प्टी सेट से ताल्लुक़ रखना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। इसलिए एम्प्टी सेट को बाय डिफ़ॉल्ट सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। अब ए क्रॉस ए को चेक करते हैं। तो अगर ए बी आर्डर पेयर ए क्रॉस ए से ताल्लुक़ रखता है तो बी ए बी ए क्रॉस ए से ताल्लुक़ रखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कोई आर्डर पेयर ले 1 2, ये ए क्रॉस ए से ताल्लुक़ रखता है, और इसका उल्ट 2 1 भी ए क्रॉस ए से ताल्लुक़ रखता है, तो हम कहेंगे यूनिवर्सल रिलेशन ए क्रॉस ए बी सिमेट्रिक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन को पूरा करता है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, ट्रांजिटिव। तो एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव होता है, क्योंकि ए बी पेयर बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, बी सी बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, देन ए सी बिलोंग्स टू एम्प्टी सेट, ये कभी भी ट्रू नहीं हो सकते, इस वजह से इसे बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजिटिव कहा जाता है। अब ए क्रॉस ए जो है ये भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स के आर्डर पेयर इसमें मौजूद होते हैं। तो अगर हम ए बी आर्डर पेयर लें तो ये भी ए क्रॉस ए से ताल्लुक़ रखता है, बी सी लें तो ये भी ए क्रॉस ए से ताल्लुक़ रखता है, और इनसे हम एक नया आर्डर पेयर बनाएं ए सी, तो ये भी ए क्रॉस ए से ताल्लुक़ रखता है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 देखेंगे। सेट गिवन है 0 1 2 और रिलेशन गिवन है 0 2 1 1 और 2 0, और हमने चेक करना है कि क्या आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। और दूसरा हमने देखना है कि कौन से आर्डर पेयर्स आर में ऐड किए जाएं जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्सिव या ट्रांजिटिव मान जाए। तो पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। तो आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव क्योंकि ए का 0 एलिमेंट है, इसका आर्डर पेयर 0 0 आर से बिलोंग नहीं करता, और सेट ए का एलिमेंट 2 जो है इसका आर्डर पेयर 2 2 भी आर से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम सिमेट्रिक देखेंगे। तो आर इज़ सिमेट्रिक क्योंकि आर में 2 पेयर मौजूद हैं 0 2, और इसका रिवर्स भी मौजूद है 2 0, तो इस वजह से आर जो है वो सिमेट्रिक है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम इसके आर के 2 आर्डर पेयर लेते हैं 0 2 और 2 0, ये आर से बिलोंग करते हैं, लेकिन जब हम इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकंड एलिमेंट लेकर पेयर बनाएंगे 0 0, तो ये आर से बिलोंग नहीं करता, इस वजह से ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो आर ट्रांजिटिव नहीं है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, जिसमें हमने शो करना है कि कौन से आर्डर पेयर आर में ऐड करें तो वो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाए। तो अगर हम रिलेशन आर में 0 0 और 2 2 आर्डर पेयर ऐड कर दें तो ये ट्रांजिटिव हो जाता है, क्योंकि फिर 0 0, 2 2 और 1 1 पेयर शामिल हो जाते हैं। तो आर फॉर आर टू बी रिफ्लेक्सिव इट मस्ट कंटेन आर्डर पेयर 0 0 एंड 2 2। और अगर ट्रांजिटिव बनाना है तो फिर भी
आर में ऑर्डर पेयर होने चाहिए 0 0 और 2 2, ताकि ये ट्रांजिटिव की कंडीशन ट्रू हो सके। ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि हम 2 0 लें, 0 2 लें या 2 0 लें, ये आर से बिलोंग करते हैं। तो इनके फर्स्ट और सेकंड से बनने वाला पेयर 0 0 भी आर से बिलोंग होगा। तो जब ये शामिल होगा आर में तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। या इसको हम फर्स्ट ले लें, इसको बाद में ले लें, तो फिर हमारा 2 2 पेयर भी आर में मौजूद होगा। तो फॉर आर टू बी ट्रांजिटिव इट मस्ट कंटेन 0 0 एंड 2 2 ऑर्डर पेयर्स। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3, इसमें एक रिलेशन डिफाइन है एल, और ये सेट ऑफ रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, और एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे कंडीशन दी हुई है एक्स इज़ रिलेटेड टू वाई इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज़ लेस देन वाई। और हमने चेक करना है कि क्या एल रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहले हम देखेंगे एल इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हम सेम ऑर्डर पेयर इस्तेमाल करते हैं ए ए। तो अगर हम यहाँ एक्स एक्स लें तो एक्स जो है वो लेस देन नहीं होता एक्स से, यानी वन इज़ नॉट लेस देन वन, तो ये कंडीशन पूरी नहीं होती। तो इस वजह से हम कह सकते हैं सेम एलिमेंट्स के लिए कंडीशन पूरी नहीं होती, तो एल इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम देखेंगे एल इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि एल सिमेट्रिक भी नहीं है। अगर एक्स लेस देन वाई है तो वाई लेस देन एक्स नहीं हो सकता। तो अगर एक प्रॉपर्टी है तो दूसरी रिवर्स होनी चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो एल इज़ नॉट सिमेट्रिक, क्योंकि अगर 0 1 से छोटा है तो 1 0 से छोटा नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे कि एल इज़ ट्रांजिटिव, क्यों? क्योंकि अगर हम तीन एलिमेंट्स लें एक्स वाई जेड जो आर से बिलोंग करते हैं, अगर एक्स छोटा है वाई से और वाई छोटा है जेड से, तो फिर एक्स भी जेड से छोटा होगा और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पूरी हो जाती है। तो इस वजह से एल जो है वो ट्रांजिटिव है। एक्सरसाइज क्वेश्चन 4, डिफाइन रिलेशन आर ऑन ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जेड, यानी आर एक रिलेशन है जो पॉजिटिव इंटीजर जेड प्लस पर डिफाइन है, और ए बी जेड प्लस से बिलोंग करते हैं, और कंडीशन दी हुई है ए इज़ रिलेटेड टू बी इफ़ ए क्रॉस बी इज़ ऑड। ये कंडीशन है कि ए क्रॉस बी ऑड होना चाहिए। तो हमने चेक करना है कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो पहले हम देखेंगे आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि जेड पॉजिटिव इंटीजर में एक एलिमेंट टू या और भी इवन एलिमेंट्स होते हैं, जिनका अगर पेयर बनाया जाए 2 2, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सेम पेयर होना चाहिए 2 2, तो 2 और 2 को मल्टीप्लाई किया जाए तो ऑड आंसर नहीं आता बल्कि इवन आता है, विच इज़ नॉट ऑड, इसलिए आर इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि सिमेट्रिक है या नहीं है। अगर हम कोई रिलेशन लें ए बी और ए क्रॉस बी ऑड है, तो फिर बी क्रॉस ए भी ऑड होगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि अगर हम एक ऐसा पेयर ले रहे हैं जिसमें जिनको जिनका प्रोडक्ट लिया जाए तो ऑड है, तो अगर उल्ट करके प्रोडक्ट लिया जाए बी ए, तो वो भी ऑड होगा। इस वजह से आर सिमेट्रिक है। अब हम ट्रांजिटिव देखते हैं, तो आर ट्रांजिटिव है, क्योंकि अगर ए बी एक रिलेशन लिया जाए और ए क्रॉस बी ऑड हूँ, और ए और बी दोनों ऑड होने की वजह से ये ऑड होते हैं। तो इसी तरह एक और रिलेशन लिया जाए बी बी सी और बी क्रॉस सी ऑड हो, तो इसका मतलब है बी और सी दोनों ऑड हैं, क्योंकि दोनों ऑड नंबर मल्टीप्लाई हो तो फिर प्रोडक्ट आर हासिल होता है। तो अब हम फाइनल करेंगे कि अगर ए रिलेशन बी है और बी रिलेशन सी है, तो चूंकि हमने पीछे देखा ए बी और बी सी ये ऑड है, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों ऑड है, तो फिर ए क्रॉस सी भी ऑड होगा, यानी ए रिलेशन सी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये दो रिलेशन मौजूद हैं तो ए और सी का रिलेशन भी मौजूद है, और इसकी वजह से ये जो प्रोडक्ट कंडीशन में दिया हुआ है वो ऑड बनता है, तो इस वजह से ये ट्रांजिटिव है। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डी एक डिवाइड्स रिलेशन है ऑन सेट जेड, और एम एन बिलोंग टू जेड, और कंडीशन दी हुई है एम डिवाइड्स एन, तो डिटरमिन वेदर डी इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो पहला हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, अगर हम कोई एलिमेंट एम लें
और वो जेड से बिलोंग करता हो तो एम डिवाइड्स एम, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी जेड से बिलोंग करेगा, तो डी इज़ रिफ्लेक्सिव। यानी एम डिवाइड एम का एक इंटीजर हासिल होगा जो जेड से बिलोंग करेगा, इसलिए जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो जाती है और डी इज़ रिफ्लेक्सिव। अब हम देखते हैं सिमेट्री के लिए, तो दो एलिमेंट हैं एम एन, ये जी से बिलोंग करते हैं और एक रिलेशन हमने खुद गिवन है हमें एम डिवाइड्स एन, तो इसका मतलब है एम डिवाइड्स एन हो तो एक इंटीजर हासिल होता है जो जी से बिलोंग करता है। तो अगर हम एन डिवाइड एम कर दें तो ज़रूरी नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं कि उसका भी हमें इंटीजर ही हासिल हो, तो हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं होती कि एम डिवाइड्स एन देन एन डिवाइड्स एम, ये कंडीशन पूरी नहीं होती, तो इसलिए हम कहेंगे डी इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब लास्ट देखते हैं, हम तीन एलिमेंट लेते हैं एम एन पी और ये जेड से बिलोंग करते हैं, और दो हम खुद सपोज कर लेते हैं रिलेशन एम डिवाइड्स एन एंड एन डिवाइड्स पी। तो एम डिवाइड्स एन का मतलब है एम डिवाइड एन एक इंटीजर आएगा और एन डिवाइड पी का मतलब है ये भी एक इंटीजर आएगा। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर भी एक इंटीजर ही आएगा और ये कैंसल आउट हो के हमारे पास पी ओवर एम के इक्वल हो जाएगा, यानी एम डिवाइड पी के इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब एक रिलेशन एम डिवाइड पी एग्जिस्ट कर रहा है, जब ये दो रिलेशन है तो ये रिलेशन भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ट्रांजिटिव कंडीशन पूरी हो रही है एम डिवाइड एन एंड एन डिवाइड पी देन आल्सो एम डिवाइड पी, तो हैंस डी इज़ ट्रांजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, लेट सेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर इज़ अ बाइनरी रिलेशन ऑन सेट ए। अगर आर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ आर इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यानी तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें तो फिर आर इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, इसमें सेट गिवन है 1 2 3 4 और रिलेशन गिवन है और हमने चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो अगर हम इस रिलेशन में देखें तो 1 1 2 2 3 3 4 4 पेयर मौजूद हैं तो हम कहेंगे आर इज़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और अगर हम इसमें दो पेयर देखें 2 4 और 4 2 तो 2 4 बिलोंग टू आर है और 4 2 जो इसका उल्ट है वो भी बिलोंग टू आर है, इस वजह से आर सिमेट्रिक भी है। अब इन्हीं दो पेयर्स को लेकर अगर हम कहें कि ये दोनों आर से बिलोंग करते हैं तो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड का सेकंड एलिमेंट लेकर हम एक पेयर बनाएं 2 2 तो ये भी आर से बिलोंग करता है, तो इस वजह से आर ट्रांजिटिव है क्योंकि तीनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसलिए हम कहेंगे कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कॉन्ग्रेंसिस, लेट एम एंड एंड बी इंटीजर्स एंड डी बी अ पॉजिटिव इंटीजर देन नोटेशन एम कॉन्ग्रेंट एन मॉडुलस डी मीन्स दैट डी डिवाइड्स एम माइनस एन देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट एम माइनस एन इक्वल डी मल्टीप्लाई के। तो एम एन दो इंटीजर हैं और डी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो इस नोटेशन का मतलब है कि डी मॉडुलस डी में जो डी है डी एम डिफरेंस एन को डिवाइड्स करता है, यानी पहले हम एम और एन का डिफरेंस निकालते हैं और उसको डी पे डिवाइड करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि रिलेशन जो है वो कॉन्ग्रेंस है। देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर के सच दैट, फिर एक इंटीजर के एग्जिस्ट करता है जिसको हम डी से यानी मॉडुलस से मल्टीप्लाई करें तो वो एम माइनस एन के इक्वल होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें हमें कॉन्ग्रेंस रिलेशन दिए हुए हैं तो हमने देखना है कि क्या ये ट्रू है या नहीं है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे, फर्स्ट सॉल्यूशन में देखेंगे कि क्या 22 कॉन्ग्रेंस है 1 मॉडुलस 3 के, तो इसको हम एम मान लेंगे और इसको एन मान लेंगे, तो ये हो जाएगा एम माइनस एन, यानी 22 माइनस 1 इक्वल 21,
अब ये 21 जो है ये 3 मॉडुलस पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे 3 / 22 - 1। तो इस वजह से हम कहेंगे सो 22 कांगोरेंट है 1 मॉडुलस 3। अब बी पार्ट देखते हैं, इसमें हम एम को 5 समझ लेंगे और एन को 10, तो ये हो जाएगा -5 - 10 और इसका आंसर आएगा -15। तो अगर हम इसको 3 पे डिवाइड करें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो हम कहेंगे हैंस 3 - -5 - 10, तो लहाजा -5 इज कांगोरेंट +10 मॉडुलस 3। अब हम तीसरा पार्ट देखते हैं, तो इसमें 7 - 7 = 0, तो हम कह सकते हैं 3 - 7, क्योंकि 0 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है, तो हम कहेंगे 7 congruent 7 mod 3। अब फोर्थ रिलेशन में 14 - 4 करेंगे और इसका आंसर आ जाता है 10, तो 3 और 14 - 10 ये डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट डिवाइड, सो 14 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलस 3। एग्जाम्पल, डिफाइन रिलेशन आर ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स एज फॉलोज, यानी आर रिलेशन है जो सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन है और एम एन दो इंटीजर्स हैं और कंडीशन दी हुई है एम कॉन्ग्रुएंट एन मॉडुलस 3। तो हमने प्रूव करना है कि आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। तो पहले हम रिफ्लेक्सिव देखेंगे, तो ए पार्ट में हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव। हम एक इंटीजर एम लेते हैं जो जेड से बिलोंग करता है, तो रिलेशन बनाते हैं एम रिलेशन एम। तो एम चूँकि जेड से बिलोंग करता है, तो जो ऊपर हमें कंडीशन दी हुई है यहाँ हम एम कॉन्ग्रुएंट एम मॉडुलस 3 कर देंगे। तो अगर हम एम माइनस एम को माइनस करें, एम माइनस एम करें, तो ये 0 आ जाता है, तो इसका मतलब 0 को हम 3 पे डिवाइड कर दें तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, लहाजा 3 / m - m, लहाजा ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है एम कॉन्ग्रुएंट एम मॉडुलस 3। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं एम एम रिलेशन एग्जिस्ट करता है और एम एम में सेम एलिमेंट है, इसका मतलब है आर रिफ्लेक्सिव है। अब हम सिमेट्री के लिए देखते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं एम एन जिनका ताल्लुक जेड से है, और एक रिलेशन लेते हैं एम एन और दूसरा रिलेशन लेते हैं एन एम, और एक को लेकर दूसरा प्रूफ कर देंगे तो सिमेट्रिक साबित हो जाएगा। तो हम पहला रिलेशन लेते हैं एम एन और इसको डेफिनेशन के मुताबिक लिखते हैं एम एन मॉड 3। फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 / m·n, और ये जब डिवाइड्स करता है तो ये कॉन्ग्रेंस की डेफिनेशन में पढ़ा कि डिफरेंस इक्वल होता है डी के, तो डी की जगह 3 आ जाएगा और के आ जाएगा। फिर हम इसको इस तरह कर देंगे कि दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एन पॉजिटिव हो जाएगा और एम माइनस हो जाएगा, और इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 को पॉजिटिव रखना है क्योंकि 3 d है और d पॉजिटिव इंटीजर होता है, और k -3 हो जाएगा। अब ये k z से बिलोंग करता है, तो हम कह सकते हैं कि 3 जो है वो n -1 को भी डिवाइड करता है, बेशक नेगेटिव नंबर ही है क्योंकि वो z से बिलोंग करता है। तो ये हमारी डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि n कॉन्ग्रुएंट m mod 3। तो इससे हम लिख सकते हैं n इज़ रिलेटेड बाय n इज़ रिलेटेड टू m, तो
एम एन लेकर हमने एन एम रिलेशन प्रूव कर दिया है, तो इसका मतलब आर सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम इसके आखिरी रिलेशन ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन है कि एम इज़ रिलेटेड टू एन, एन इज़ रिलेटेड टू पी, देन एम मस्ट रिलेटेड टू पी। तो इन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे। तो पहले हम इन दो को लेते हैं, एम इज़ रिलेटेड टू एन, इसका मतलब है डेफिनेशन के मुताबिक एम कॉन्ग्रुएंट एन मॉडुलस थ्री। तो इसका मतलब है थ्री मॉडुलस जो है वो एम माइनस एन को डिवाइड करता है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन के मुताबिक लिख सकते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो डी आर के इक्वल है। डी यहाँ पे थ्री है और आर कोई इंटीजर है। अब दूसरे को इसी तरह हम लिखेंगे, एन रिलेटेड पी, इसका मतलब है एन इज़ कॉन्ग्रुएंट पी मॉडुलस डी इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि थ्री एन माइनस पी को डिवाइड करता है, तो एन माइनस पी थ्री एस के बराबर है और एस भी एक इंटीजर है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड और राइट साइड राइट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से एन एन से कैंसिल हो जाएगा और एम माइनस पी बचेगा। इधर से थ्री कॉमन आर प्लस एस, आर प्लस एस एक इंटीजर है क्योंकि दो इंटीजर प्लस हो तो इंटीजर ही हासिल होता है। तो ये डेफिनेशन पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं थ्री डिवाइड्स एम माइनस पी। तो इस ये अगर ये डिवाइड करता है तो इस डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है, एम कॉन्ग्रुएंट पी मॉडुलस थ्री। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एम इज़ रिलेटेड टू पी। तो दो हमने रिलेशन लिए और तीसरा रिलेशन प्रूव कर दिया। तो आर इज़ ट्रांजिटिव इस वक्त, चूँकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं इसलिए आर इक्विवेलेंस रिलेशन है।